हेलो फ्रेंड, माय नेम इज़ के शर्मा, क्रिकेट कोच। आज मैं आपको बताने वाला हूँ सिंगल हैंड पिकअप अंडर आर्म थ्रो। हमारे क्रिकेट में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है वो है फील्डिंग। बॉलिंग, बैटिंग ये भी ज़रूरी है, लेकिन उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है वो है फील्डिंग। क्योंकि बैटिंग में कई बार ऐसा होता है आपका बैटिंग आया नहीं आया, बॉलिंग में कई बार ऐसा होता है आपका बॉलिंग आता भी है नहीं भी आता है, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता है कि आप प्लेइंग 11 में हो और आपका फील्डिंग भी नहीं है। ऐसा कभी नहीं होता है। कई बार तो ऐसा भी होता है कि आप प्लेइंग 11 में नहीं हो, उसके बावजूद आपको फील्डिंग करने के लिए अगर आपके किसी टीममेट को चोट लग गई है तो आपको फील्डिंग करने के लिए आना पड़ता है। तो इस बारे में हम जानते हैं जो सिंगल हैंड पिकअप अंडर आर्म थ्रो जो टॉपिक है वो कब हम यूज़ करते हैं, अंडर आर्म थ्रो हम करते कब हैं, कब करते हैं। मोस्टली आप देखेंगे जो 15 यार्ड, 10 यार्ड, 12 यार्ड, 8 यार्ड, 9 यार्ड, मतलब ग्राउंड में जो बैट्समैन के जो करीब वाले फील्डर होते हैं, गली, स्लीप, पॉइंट, एक्स्ट्रा कवर, कवर्स, शॉर्ट मिड ऑन, स्क्वायर लेग, फाइन लेग, ये जो बॉलर फील्डर्स होते हैं ये अंडर आर्म थ्रो करते हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी और इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या है कि आप बॉल को रिसीव कैसे करते हैं, आपका टेक्निक कैसा होना चाहिए कि आप बॉल को रिसीव करें। तो आज मैं आपको बताता हूँ आपका टेक्निक कैसा होना चाहिए। पहले तो आप 10 से 15 यार्ड के बीच में जो आप फील्डिंग कर रहे हैं वहाँ पे आपको झुक करके स्टार्ट लेना है। और आपको बॉल कैसे रिसीव करना है, आपको स्टार्ट में भागते हुए आना है और बॉल को पकड़ने से पहले आपको झुक के रहना है। और आपको जिस भी हैंड से आप थ्रो करते हैं, मान लेते हैं आप राइट आर्म से थ्रो करना चाहते हैं, थ्रोअर हैं, तो आपको झुक के कुछ इस तरीके से बॉल को रिसीव करना पड़ेगा। आपका आई है जो वो बॉल के ऊपर होना चाहिए और हाथ इस तरीके से बॉल के जस्ट पीछे। बॉल रोल होते हुए आएगा, आपके हाथों में आएगा, आप आगे आ करके कुछ इस तरीके से आपको थ्रो करना है ऐसे। और थ्रो करने के बाद आपको जिस भी एरिया को आपने टारगेट किया है, स्टंप को टारगेट किया है, आपका जो रिदम होगा वो स्टंप के तरफ ही आपको भाग के जाना है। और आपको एक बात का और ज़्यादा फोकस करके ध्यान करके ध्यान में रखना है और थ्रो करना है कि आपको थ्रो जब भी करना है वो स्टंप के बेस में, आपको थ्रो करना है, ठीक है। तो मैं आपको 2-3 बार करके दिखाता हूँ कैसे पकड़ते हैं और कैसे भागते हैं। आपको ऐसे आना है और पूरा कंप्लीट करना है। एक बार और मैं आपने देखा कि मैं कैसे बॉल को पकड़ रहा हूँ, कैसे थ्रो कर रहा हूँ, कैसे भाग रहा हूँ और किस तरीके से अपने फॉलो थ्रू को कंप्लीट कर रहा हूँ। तो आपको भी सेम इसी तरीके से बॉल को पिकअप करना है और थ्रो करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।